ओम शांति मेरे शरीर का नाम कांता रानी है मुझे 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए और मैं जब मैं आश्रम में जाने लगी मैं भक्ति भाव में तो पहले में थी जब मायके में थे हम भक्ति भाव में चलते थे मेरे मायके वाले गुरुद्वारे में जाते थे जब मेरी शादी हुई मैं शादी करके आई तो मेरे पति देव माता रानी को ज़्यादा मानते थे और मंदिर में जाते थे तो जब नकोदर में सेंटर खुला तो मैं सेंटर में जाने लगी तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप वहाँ नहीं जाना आपने गुरुओं को धारण किया हुआ है तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं मम्मी जाते हैं तो मैं देख लूँगा कि दीदी ने क्या जादू किया है इन पर ये रोज़ जाते हैं दो टाइम मैं जाती थी आश्रम में तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि ये तो दीदियों में जादू नहीं है ये तो मुरली में जादू है बाबा की मुरली में जादू है बीस साल हो गए मेरे को ज्ञान में चलते हुए तो बाबा से मैं उसी साल ही मैंने धारणा में पक्की होगी सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी कि मैं पवित्रता का जब दीदी ने मेरे को बताया तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी तो उसके बाद मैं एक साल के अंदर ही बाबा को मिलन मनाने चली गई मैं सारा बार बाबा से मिलन मना के आई हूँ और हर साल जाती थी तो एक बार मेरे को इतनी परिस्थिति आनी थी आने से पहले ही मेरे को एक बार जैसे दलदल होती है ना दलदल में मैं आगे निकल नहीं पा रही हूँ तो पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति आई जिसने मेरे को दलदल से निकाल दिया तो बाद में परिस्थिति आई तो पता नहीं चला कैसे निकल गई बहुत बड़ी परिस्थिति थी तो फिर मेरे पति देव भी आने लगे और धीरे धीरे सारा परिवार सहयोगी बन गया एक मेरी बहन थी मेरे साथ ही रहती थी मेरी दरानी भी थी वो भी ज्ञान में चलती थी हम दोनों बहनें इकट्ठी चली थी बाद में वो अमेरिका में चले गए वहाँ भी जाके उन्होंने आश्रम ढूंढ लिया और वहाँ भी वो जाते हैं और उनकी भी धारणा पक्की है हम दोनों बहनें चलती हैं ज्ञान में और परिवार भी सहयोगी है ओम शांति